हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास है होंडा की सिटी जिसके अंदर कस्टमर का कंसर्न है कि उनका रिमोट से गाड़ी लॉक अनलॉक नहीं हो रही है, तो उसके अंदर क्या कंसर्न है वो आज हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ क्लस्टर मीटर में की के लिए बैटरी लो की लाइट भी आ रही है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि बैटरी लो की यहाँ लाइट शो हो रही है, तो आज हम इसमें न्यू ये हमारे पास यहाँ पे होंडा की है, इसके अंदर जो सेल आता है वो हम चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे चेंज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास न्यू सेल है ये वाला, तो आज ये हम दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले सेल नया डालने के लिए सबसे पहले जो हमें यहाँ बटन दिया गया था उसे दबाने के बाद ये निकल जाएगी अपनी की। फिर यहाँ पे ये जगह दी है, वहाँ पे जो अपनी की है वो इंसर्ट करेंगे इस तरीके से और इस की को घुमाएंगे तो हमारी की रिमोट ओपन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यहाँ जगह हो गई। अब सिंपल ये दोनों को ऐसे निकालेंगे, अब देख सकते हैं यहाँ हमारा सेल है। ये अब चेंज करने के लिए सिंपल ये सेल को हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा सेल निकल चुका है, इसमें देखिए यहाँ पे प्लस का निशान और यहाँ माइनस, जैसे मैं अभी आपको नया सेल दिखाता हूँ। ये हमारा पुराना वाला सेल है और ये हमारा नया सेल है। सिंपल इसको हम वापस जैसे था वैसे वापस हम सेल फिट कर देंगे। देख सकते हैं हमारा सेल फिट हो चुका है। ये रिमोट को वापस हम सिंपल प्रेस करना है ताकि हमारा रिमोट वापस देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा वापस रिमोट असेंबल हो चुका है। अभी की वापस अंदर लगा देंगे और उसके बाद हम यहाँ से गाड़ी को ऑफ करेंगे, फिर उसके यहाँ से लॉक अनलॉक एक बार करने के बाद वापस गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी जो लाइट आ रही थी क्लस्टर मीटर में वो भी चली गई है और की रिमोट ठीक से काम करने लगा है। इस गाड़ी के अंदर की के अंदर जो सेल आता है वो पूरा डेड हो चुका था, इसकी वजह से की रिमोट वर्क नहीं कर रहा था और क्लस्टर मीटर में लाइट शो हो रही थी। आई होप कि आपको समझ आ गया गाड़ी में प्रॉब्लम क्या था।